ओके कंटिन्यू। तो इसी तरह से हम लॉग टाइप की वैल्यू को लॉग 10 के बेस पर भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अ प्रिंट एंड द मैथ डॉट लॉग 10 लॉग 10 पर, और हमने वैल्यू दिया 100.72। तो 10 के बेस पर वैल्यू देख लीजिए क्या आएगी, 2.003। और जबकि नॉर्मल लॉग की वैल्यू इसकी जो 10.12 की या 72 की, मतलब 72 मतलब समथिंग, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही होगी इसकी भी, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने अगर पाई की वैल्यू चेक मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, लॉग 10 पर इसको चेक करूँगा। ओके, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.499। जबकि यही लॉग की वैल्यू, पाई की वैल्यू लॉग में 1.447 एंड सो ऑन। अब मैं बात करूं कि मिनिमम वैल्यू फाइंड अप करना, तो सिंपली मान लीजिए कि प्रिंट मैंने लिखा, प्रिंट एक अगर बात पर करें मिनिमम मेथड, तो मिनिमम मेथड एक होता है जिसमें से रिटर्न करता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को, ठीक है। एक मिन मेथड होता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, प्रिंट अ मैथ डॉट मिन, और मिन में मैंने अंदर ब्रैकेट में दिया 80, 100 और 20। ओके, तो वैल्यू आपकी मिन कौन सी आ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा सॉरी मैथ डॉट नहीं, आप सीधे सीधे मिन फाइंड अप कर सकते हैं, दैट्स ऑल। यानी कि इसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे मिन वैल्यू बता देगा। ओके, अब इसी तरह से मैं मान लीजिए कि मैंने कुछ दिया, जैसे मान लीजिए मैंने वैल्यू माइनस में दिया, तो माइनस में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, यानी छोटी होती है, जो सबसे ज़्यादा छोटी होगी वैल्यू वही सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 100। तो इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव में करके आप देख सकते हो, सेम इसी प्रोसेस से आप मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मिन की जगह मैक्स मेथड, तो मैक्स मेथड हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे 100 यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और इसमें अगर बात करें देन, तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू, ठीक है, माइनस 20। तो हम इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड अप कर सकते हैं। और चूंकि हमने मैथ इंपोर्ट कर रखा है तो ऑलरेडी आसानी से मिन और मैक्स मेथड चल जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है पावर, एक मेथड है अभी मॉड ऑफ मेथड होता है। तो मॉड ऑफ मेथड्स रिटर्न्स द फ्रैक्शनल एंड इंटीजर पार्ट एक्स इन टू आइटम टपल्स एंड बोथ पार्ट्स हैव अ सेम साइन जस्ट। तो अगर मैंने मान लीजिए कि दिया सिंपल सा ए प्रिंट, और यहाँ पर मैंने दिया मैथ डॉट मॉड ऑफ, ये मॉड ऑफ, और मॉड ऑफ में मैंने वैल्यू दिया 100। पहले चाहे तो आप 100.12। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, तो अलग अलग फ्रैक्शनल पार्ट उसने अलग कर दिया, बाकी उसने अलग कर दिया। और इसी तरह से मान लो हम किसी भी तरह की वैल्यू को फाइंड अप करना चाहेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू बिना फ्रैक्शनल के दिया, तो 1 मैंने 9 दिया देन, तो किसके फॉर्मेट में है, टपल के फॉर्मेट में हमेशा वैल्यू देगा, ठीक है। चूँकि आगे का पार्ट है नहीं और फ्रैक्शनल वाला उसमें बाकी कोई पार्ट है नहीं, फ्रैक्शनल अलग कर देता है और इंटीजर पार्ट को बिल्कुल अलग कर देगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे पाई की वैल्यू फाइंड अप करनी हो, ठीक है, तो पाई में क्या होता है, मैथ डॉट पाई, तो ये वैल्यू बता देगा अलग अलग। तो बाकी पोर्शन इंटीजर पार्ट अलग हो गया और उसका फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो गया। ओके, तो पहले हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रैक्शनल आता है,